दोस्तों एक बार एक पैसे वाले अपंग बुजुर्ग आदमी को अपनी जिंदगी से मजे नहीं आ रहे थे और उसे अपने टट्टे साफ करने से लेकर पिछवाड़ा धोने का काम भी किसी को देकर करवाना पड़ रहा था। उसकी इस मजबूरी के चलते उसने टट्टे साफ जॉब वैकेंसी को निकाला, जिसमें बहुत सारे नौजवान जो कि बेकार भत्ते के सारी जिंदगी बिता रहे थे वो लोग इंटरव्यू देते हैं। उनमें से एक नौजवान को वो अपने टट्टे साफ करने के काम पर भी रख लेता है। आगे वो अपंग बुजुर्ग आदमी एक लड़की को भी पटा लेता है और वो लड़की उसके साथ शादी भी कर लेती है। दोस्तों ये कहानी सच्ची कहानी है, तो आप ही सोचिए कि एक लड़की कैसे एक अपंग बुजुर्ग आदमी के साथ शादी कर सकती है। तो इस मूवी की शुरुआत में हम ड्रिस नाम के एक आदमी को अपने मालिक फिलिप्स को कार में बैठाकर पेरिस के सड़कों पर घुमाते हुए देखते हैं। इसी बीच रास्ते में काफी ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ड्रिस ट्रैफिक लिमिट को तोड़कर गाड़ी को तेजी से भगाने लगता है, जिससे कुछ ही देर में पुलिस उसके पीछे पड़ जाता है। कार के अंदर ड्रिस फिलिप्स से 100 यूरोज की शर्त लगाता है कि वो पुलिस से बच जाएगा, लेकिन ब्रिज के नीचे पहुंचते ही पुलिस उन्हें घेर लेते हैं। ड्रिस फिर से फिलिप्स और 200 यूरोस की शर्त लगाता है कि वो अभी भी पुलिस से बच सकता है। अब गाड़ी से बाहर निकलते ही वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि उसके मालिक को बवासीर है और वो पहले से ही पैरालाइज है, इसीलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। पहले तो पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पुलिस जब उसके गाड़ी के अंदर व्हीलचेयर को देखते हैं और तभी फिलिप्स भी एक्टिंग करना चालू कर देता है, जिससे पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। साथ ही साथ पुलिस उनके गाड़ी के पीछे उनकी भी एक गाड़ी को जाने के लिए कहता है, ताकि वो लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच सके। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब पुलिस की गाड़ी वहां से चले जाते हैं, तभी ड्रिस भी अपने मालिक को लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। अब शर्त जीत जाने के खुशी में ड्रिस कार में होम थिएटर लगाकर खुद भी सिगरेट पीता है और अपने मालिक को भी सिगरेट के कुछ कष्ट पिलाता है। हमें पता चलता है कि उन दोनों की दोस्ती 2 महीने पहले शुरू हुई थी, जब फिलिप्स को अपने टट्टे साफ करने के लिए एक केयरटेकर की जरूरत थी, क्योंकि वो अपाहिज है। फिलिप्स अपनी सेक्रेटरी मागलाई के साथ उसी केयरटेकर के लिए इंटरव्यू ले रहा था। वो दोनों काफी लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, जिसमें कुछ लोग फिलिप्स के टट्टे साफ करने के लिए तैयार नहीं होते और कुछ लोग फिलिप्स को पसंद नहीं आता। वहाँ पर ड्रिस भी इंटरव्यू देने के लिए आया था, जिसको नौकरी की कोई भी जरूरत नहीं थी, और वो तो बस वहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो उनसे एक पेपर पर सिग्नेचर करवा सके, जिसमें लिखा हुआ होगा कि वो लोग उसे नौकरी पर नहीं रख सकते, ताकि उस पेपर को दिखाकर वो सरकार से बेरोजगार भत्ता लेकर अपनी जिंदगी को जी सके। दरअसल वो नुक्कड़ पर लौंडियाबाजी करके बड़ा हुआ है, इसलिए इंटरव्यू हॉल में आते ही वो सेक्रेटरी मंगलाई के ऊपर डोरे डालना और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अब उसके इस फ्लर्ट करने के अंदाज को देखकर फिलिप्स को उसके ऊपर दिलचस्पी होता है और वो उसे अगले दिन फिर से आने के लिए कहता है। इधर ड्रिस जब थक हार कर अपने घर पहुंचता है, तभी उसके छोटे छोटे पौने दर्जन भाई बहन उसे परेशान करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। इसी बीच वो खिड़की से अपने छोटे भाई एडामा को एक स्कॉर्पियो से उतरते हुए देखता है और घर आने पर उससे पूछता है कि उसने अब कौन सा अमीर लड़का पटा लिया है, जिसमें एडामा कहता है कि वो स्कूल से आ रहा है, जो कहकर वो फिर से घर से चला जाता है। अब उसकी इस अजीब बात करने के ढंग को देखकर ड्रिस को उसके ऊपर शक होता है कि जरूर वो कोई झोल झमेले में फंस रहा है। रात को उन सभी बच्चों की माँ जब बाजार से बासी सब्जी खरीदकर घर वापस आती है, तभी ड्रिस उन्हें एक सोने की अंडे देता है, जो कि उसने फिलिप्स के घर से चुराया था। ड्रिस की माँ उसे घर पर देखते ही उसके ऊपर भड़क जाती है और उससे कहती है, निकल जा मेरी आँखों के सामने से, ये कोई होटल नहीं है, जो तू जब मर्जी मुँह उठाकर यहाँ पर पहुँच जाएगा, जो कहकर वो ड्रिस को घर से निकाल देती है। दरअसल ड्रिस पिछले 6 महीनों से घर नहीं आया था, जबकि वो इस घर का सबसे बड़ा बेटा है। खैर अब घर ना होने की वजह से ड्रिस अगली सुबह अपने काम पर यानी फिलिप्स के घर पहुंच जाता है, जहां पर फिलिप्स की नौकरानी पहले उसे पूरा घर दिखाती है, फिर उसे उसका रूम भी दिखाती है, जो देखते ही ड्रिस की आंखें चमक उठती है, क्योंकि उसने आज से पहले इतना आलीशान घर और इतनी चमकीली संडास कभी नहीं देखा था। तभी उसे फिलिप्स अपने पास बुलाकर नौकरी में ज्वाइन होने का अपॉइंटमेंट लेटर देता है और कहता है कि 1 महीना उसका ट्रायल लिया जाएगा और अगर वो इस काम में खरा उतरता है, तब उसे फिलिप्स के टट्टे साफ करने के काम में परमानेंट रखा जाएगा, जो सुनकर ड्रिस भी मान जाता है और उसी दिन से अपने काम पर भी लग जाता है। यहाँ पर उसे फिलिप्स का ध्यान रखना था, जिसमें फिलिप्स के नहाने खाने से लेकर उसके पिछवाड़ा धोने का काम भी उसे ही करना था। इस काम को करने में उसे बहुत तकलीफ होता है और वो फिलिप्स की नौकरानी से फिलिप्स के बारे में बहुत शिकायत भी करता है, लेकिन मजबूरी के चलते उसे ना चाहकर भी इस काम को करना पड़ता है। उसी रात जब वो छत में बैठकर बर्गर चबा रहा था, तभी वहाँ पर फिलिप्स की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ प्यार भरी वक्त बिताने के लिए वहाँ पर आती है और वहाँ पर चुम्बन चपाटी शुरू कर देती है। दूसरी तरफ ड्रिस ये सब कुछ देख रहा था और वो अपनी सिंगल लाइफ से परेशान होकर उन दोनों के मुंह पर 2 गालियां देकर वहाँ से भगा देता है। आगे वो फिलिप्स के टट्टे साफ करने के काम को अच्छी तरीके से सीख जाता है और उसकी काफी ध्यान रखता है। वो उसके लिए आए हुए चिट्ठियों को भी खोलकर उसे पढ़ाता था, लेकिन कुछ चिट्ठियाँ ऐसी थी जिन्हें खोलने की इजाजत उसे नहीं थी। अब इतना काम करने के बाद भी उसके बद से बदतर जिंदगी अभी भी बहुत आराम और मजे से कट रही थी। वो कभी हॉट
हॉट लड़कियों को अपनी मसाज करवाने के लिए बुलाता था, कभी फिलिप्स के सेक्रेटरी मांगलाई को छेड़ता था, उसके ऊपर डोरे डालता था और भी बहुत कुछ। एक दिन उसे फिलिप्स को गाड़ी में बैठा कर पेरिस घुमाने के लिए लेकर जाना था, लेकिन वो उसे गाड़ी के पीछे लाद कर धक्के खाने के लिए नहीं छोड़ता बल्कि उसे एक स्पोर्ट्स कार में अपने साथ बैठा कर तेजी से गाड़ी को लेकर जाने लगता है। अब जब वो बाहर निकलता है तभी बाहर एक आदमी उनके दरवाजे के बाहर गाड़ी लगाकर फोन में बात करने में बहुत बिजी था। ड्रेस उसके पास जाकर उसे गाड़ी से खींचकर बाहर निकालता है और उसे वो बोर्ड दिखाता है जिसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पर पार्किंग करना अलाउड नहीं है। इधर गाड़ी के अंदर फिलिप्स भी उसके इस काम को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। आगे वो दोनों एक म्यूजियम में पहुँचते हैं जहाँ पर फिलिप्स को एक बहुत ही महंगा पेंटिंग खरीदना था जो कि दिखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने एक कागज के ऊपर खून की उल्टी की हो या फिर गुटखा खाकर थूक दिया हो। उस पेंटिंग को देखकर ड्रेस फिलिप्स से कहता है, चाचा ओ चाचा, माना आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन ऐसे कहाँ लुटा रहे हो, इससे बेहतर तो आपकी टट्टी है जो मैं हर रोज साफ करता हूँ। जो कहकर वो फिलिप्स को वो तस्वीर खरीदने से भड़का देता है। उसी दिन फिलिप्स उसके एक बहुत दूर की रिश्तेदार से मिलता है जो कि उसके सामने ड्रेस के बारे में चुगली करने लगता है। वो कहता है कि ड्रेस एक अच्छा आदमी नहीं है और वो तो एक बार जेल भी जा चुका है, इसीलिए वो फिलिप्स को उसके टट्टे साफ करने के काम से ड्रेस को निकाल देने के लिए कहता है। लेकिन फिलिप्स उसकी एक भी बात नहीं सुनता और ड्रेस के लाख बुराइयां होने के बावजूद वो उसे नौकरी से नहीं निकालता क्योंकि वो बहुत अलग था और वो उसके टट्टे साफ करने के साथ साथ उसकी काफी मनोरंजन भी करता था। उधर उसी रात फिलिप्स की नौकरानी और ड्रेस जब एक साथ बैठे हुए थे तभी फिलिप्स की नौकरानी कहती है कि जिन चिट्ठियों को पढ़ने की इजाजत ड्रेस को नहीं है वो दरअसल एलिना नाम की एक लड़की की है जिसके साथ फिलिप्स चिट्ठियां लिखकर बातें करता है, लेकिन उन दोनों ने आज तक एक दूसरे का मुंह कभी नहीं देखा। अब रात को ड्रेस जब सो रहा था तभी उसे फिलिप्स के रूम से फिलिप्स के हकलाने की आवाज सुनाई देता है। वो इस आवाज को इग्नोर करके सोने की बहुत कोशिश करता है पर उसके अंदर की ईमानदारी उसे सोने नहीं देता और वो फिलिप्स के पास जाता है। फिलिप्स यहाँ पर जोर जोर से हकला रहा था इसीलिए वो उसकी इलाज करने के बजाय उसे व्हीलचेयर पर बैठा कर पेरिस के सड़कों पर घुमाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर ढेर सारी पटाखे लड़कियाँ मौजूद थी जिनको देखते ही फिलिप्स की बीमारी छूमंतर हो जाती है। फिलिप्स यहाँ पर ड्रेस से कहता है कि कभी कभी दवाई से ज्यादा नजारा काम आता है। फिलिप्स को वहाँ पर अच्छा तो लग रहा था लेकिन लड़कियों के जाने के बाद उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगता है। इस बार ड्रेस फिर से एक देसी जुगाड़ करके उसका इलाज करता है और उसे सुट्टा पीने के लिए देता है। अब यहाँ पर माल फूकने की वजह से उसका लाइलाज बीमारी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और फिलिप्स को बहुत मजे आते हैं। उस रात वो दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ पर फिलिप ड्रेस को अपनी इतिहास बताता है। वो कहता है, ड्रेस तुम्हें पता है मेरी एक मखमल बीबी थी जिसको मैंने बहुत पेला लेकिन मेरा एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब मैंने किराए पर यानी एक लड़की को गोद लिया और वो आज मेरी बेटी है। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि उसे एडवेंचर बहुत पसंद है और उसे पैराग्लाइडिंग करने का बहुत शौक था। एक दिन वो जब उसकी मखमल बीबी के साथ पैराग्लाइडिंग कर रहा था तभी एक दुर्घटना में उसकी बीबी मारी गई और वो अपंग हो गया। अब ये बात सुनकर वो दोनों ही यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं। तभी फिलिप्स ड्रेस को वो सोने के अंडे वापस करने के लिए कहता है जिसको उसने चुराया था। दरअसल फिलिप्स को इसके बारे में पता था और वो सोने के अंडे उसकी बीवी ने उसे तोहफे में दिया था। अगले दिन ड्रेस अपनी बहन मीना से मिलता है और उसे वो सोने के अंडे ढूंढने के लिए कहता है। यहाँ पर उसके साथ बात करके उसे पता चलता है कि कुछ दिनों से पुलिस उनके घर के बाहर मंडरा रहे हैं, जो सुनते ही वो समझ जाता है कि उसका भाई एडामा जरूर कोई झोल झमेला कर रहा है। इसीलिए ड्रेस जल्दी से एडामा से मिलने के लिए जाता है। उसे वहाँ पर पता चलता है कि एडामा ड्रग्स की स्मगलिंग का काम करने लगा है जिस वजह से वो उसे अपने साथ लेकर घर आने लगता है, लेकिन एडामा उसकी बात ना मानकर फिर से उस काले स्कॉर्पियो में बैठकर वहाँ से चला जाता है। खैर आगे ड्रेस फिलिप्स और उसकी नौकरानी के साथ बैठकर जब एलिना के लिए चिट्ठी लिख रहा था तभी वो इस बात से हैरान था कि इतने साल होने के बावजूद फिलिप्स और एलिना ने आज तक एक बार भी एक दूसरे का मुंह नहीं देखा। इसीलिए वो तुरंत उन चिट्ठियों में से एलिना का नंबर निकालता है और फिलिप्स के साथ उसकी बात करवा देता है, जिसके बाद से वो दोनों दिन रात फोन में बातें करने लगते हैं और ड्रेस फिलिप्स की एक तस्वीर को भी एलिना को भेजने के लिए सिलेक्ट करता है। इसी बीच एक दिन ड्रेस जब अपने रूम में अपने पेंटिंग करने के हुनर को इस्तेमाल करके पेंटिंग कर रहा था तभी वहाँ पर फिलिप्स की बेटी सिगरेट मांगने के लिए आती है और उस तस्वीर को देखकर ड्रेस का मजाक उड़ाने लगती है, जिस वजह से ड्रेस गुस्सा होकर उसे कमरे से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ फिलिप्स एलिना को भेजने के लिए अपनी तस्वीर को बदलकर अपनी एक पुरानी तस्वीर लिफाफे के अंदर डाल देता है क्योंकि उसे इस बात का डर था कि एलिना उसकी अपंगता को देखकर शायद उसके साथ बात करना बंद कर दे। तभी उसके पास ड्रेस आकर फिलिप्स से उसकी बेटी की शिकायत करने लगता है और कहता है, देखिए सरकार, आपकी बेटी मेरी पेंटिंग का मजाक उड़ा रही है। जो सुनते ही फिलिप्स हैरान में पड़ जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि ड्रेस को पेंटिंग करना भी आता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उन दोनों के बीच दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। ड्रेस बर्फ में खेलने से लेकर सुबह के मॉर्निंग वॉक पर भी उसे लेकर
लेकर जाता था। खैर आगे ड्रिस अपनी पहली वाहियात पेंटिंग को बनाकर उसे मागलाई को दिखाता है ताकि वो उसे पट जाए। मागलाई यहाँ पर उसके ऊपर थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है, जिस मौके का फायदा उठाकर ड्रिस उसकी चुम्मी लेने की कोशिश करता है, जिस पर मागलाई उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ पिलाती है। आगे फिलिप्स जब उस वाहियात पेंटिंग को देखता है तब वो ड्रिस से वादा करता है कि वो उस पेंटिंग को बेच देगा, जिसके बाद अगले ही दिन फिलिप्स का बर्थडे आ जाता है। लेकिन फिलिप्स अपने बर्थडे पर खुश नहीं था, क्योंकि उसके हर बर्थडे पर उसके रिश्तेदार मुंह उठाकर आ जाते हैं बस ये देखने के लिए कि वो अभी तक मरा है या नहीं, यानी उन्हें उसकी जन्मदिन का नहीं बल्कि उनके मौत का इंतजार है। खैर रात के बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन में बैंड पार्टियों की टीम ऐसा गाना बजा रहे थे जैसे कि वहाँ पर कोई पार्टी नहीं बल्कि मातम मनाया जा रहा था, जिसको सुनकर ड्रिस का दिमाग सटक जाता है और वो अपने टपोरी गाने की कलेक्शन को लगाकर ठुमका लगाने लगता है, जो देखकर वहाँ पर बाकी सारे लोग भी उसके साथ ठुमका लगाने में शामिल हो जाते हैं। रात को वो फिलिप्स को जब सुला रहा था तभी वो फिलिप्स को एलिना की एक चिट्ठी पढ़कर सुनाता है, जिसमें एलिना ने लिखा था कि वो अगले हफ्ते पेरिस आ रही है और साथ ही साथ वो अपनी एक तस्वीर भी भेजी थी। आगे उनके डेट का दिन यानी एलिना के साथ फिलिप्स के मिलने का दिन आ जाता है और फिलिप्स को तैयार होने में उसकी नौकरानी और ड्रेस मदद करते हैं। वो लोग उसे नहला धुला कर डेट पर लेकर जाते हैं और एक रेस्टोरेंट पर फिलिप्स एलिना का इंतजार करने लगता है। अब काफी देर इंतजार करने के बाद भी एलिना जब नहीं आती तभी वो लोग फिलिप्स को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब वो लोग जब फिलिप्स को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तभी हम एलिना को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के अंदर आती है, पर वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। अगले दिन ड्रेस फिलिप्स का मन बहलाने के लिए उसे एक पहाड़ के ऊपर लेकर जाता है, जहाँ पर फिलिप्स फिर से पैराग्लाइडिंग करने का फैसला करता है और इस बार वो ड्रेस को भी उसके साथ पैराग्लाइडिंग करने के लिए कहता है। यहाँ पर जिंदगी में पहली बार पैराग्लाइडिंग करने की वजह से ड्रेस की फटकर 464 हो जाती है, लेकिन बाद में वो भी इस पैराग्लाइडिंग का मजा लूटने लगता है। आगे ड्रेस जब अपने घर पहुँचता है तभी वो अपने छोटे भाई एडम को देखता है, जिसके मुंह पर चोट के निशान थे, यानी किसी ने उसे घुसंड पिलाया था। अब इतनी मार खाने के बाद भी एडम ड्रेस से असलियत छुपाने की कोशिश करता है, जबकि ड्रेस को सब कुछ पता चल चुका था। उसी रात ड्रेस जब फिलिप्स को सुलाने के लिए जाता है तभी फिलिप्स उससे उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछताछ करता है, जिसमें ड्रेस बेझिझक फिलिप्स से कहता है कि वो जिस घर में रहता है वो लोग उसकी असली मम्मी पापा नहीं है, दरअसल उनके बच्चे नहीं हो रहे थे इसलिए उन्होंने उसे गोद लिया था। लेकिन गोद लेने के कुछ ही सालों के अंदर आंटी की धड़ाधड़ बच्चे पैदा होने लगे और अभी वो और अंकल आंटी मिलकर उनके आधे दर्जन बच्चों को संभालता है। ये सुनकर फिलिप्स उसे इस नौकरी को छोड़कर घर जाने का एडवाइस देता है, क्योंकि वो कब तक एक बूढ़े आदमी की टट्टे साफ करता फिरेगा। अगले दिन ड्रिस जब वहाँ से जाने के लिए अपना बोरिया बिस्तरा समेट रहा था तभी वहाँ पर मांगलाई आती है, जिसको देख कर ड्रिस मनी मन सोचता है कि चल आखिरी बार के लिए एक बार चांस पर डांस कर लेता हूँ, जो सोचकर वो मांगलाई के साथ फिर से आखिरी बार के लिए फ्लर्ट करने लगता है। मांगलाई उसे यहाँ पर बताती है कि उसे लड़कों के ऊपर नहीं बल्कि लड़कियों के ऊपर दिलचस्पी है, यानी वो गे है, जो सुनते ही ड्रिस का काला मुंह सिकुड़ जाता है। खैर अगले दिन फिलिप्स अपने नए केयरटेकर से मिलता है जो कि बहुत बोरिंग था, इसीलिए फिलिप्स को उसके साथ मजा नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो बिना कुछ खाए ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ ड्रिस भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ चुका था और उसने उस स्कॉर्पियो वाले आदमी को भी धमका दिया था, जो उसके भाई को ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए अपने साथ लेकर जाता था। इधर एक रात फिलिप्स की तबीयत बहुत खराब हो जाता है और वो हकलाने लगता है, लेकिन इस बार वो किसी की भी मदद लेना नहीं चाहता था, इसीलिए मजबूरी के चलते ड्रिस को फिर से उसकी देखभाल करने के लिए बुलाना पड़ता है और हम मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में आ पहुंचते हैं। खैर आगे कुछ दिन बाद ड्रिस उसके दाढ़ी को सेव करके उसे एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है, जहां पर कोई उसके साथ मिलने के लिए आने वाली थी। ड्रिस उसे वहां पर गुड बाय कहकर उसे उसकी सोने के अंडे को देकर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एलिना आती है, जिसके साथ फिलिप्स इतने दिनों तक चिट्ठियां लिखकर बात करता था। एलिना को फिलिप्स के व्हीलचेयर और उसके बुढ़ापे से कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ शादी कर लेती है। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची कहानी है, जहाँ पर एलिना नाम की एक लड़की ने फिलिप्स नाम की एक अपाहिज अपंग आदमी से शादी कर लिया था। अब हो सकता है कि प्यार अंधा होता है इस वजह से उसने शादी की हो, या फिर वो पैसे वाला था इस वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको शादी करने की असली वजह क्या लगता है वो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना।